Hey guys, this is Om and welcome to Civil Raja, your gateway to future. So guys, आज का सेशन होने वाला है बहुत ही खास उन सिविल इंजीनियर्स के लिए जो अभी अभी कॉलेज से निकले हैं और उनको पता नहीं कि लाइफ में कौन सी नॉलेज यूज करनी है कौन सी नहीं करनी है। तो गाइज, आप सारे लोगों के लिए जो कॉलेज की पढ़ाई में बहुत कुछ सीखने के बाद ये नहीं समझ पा रहे कि साइट पे क्या काम आने वाला है, तो उनके लिए ले आया हूँ मैं छोटी छोटी मगर मोटी बातें, बिल्कुल हमारे बचपन वाले शक्तिमान की तरह। तो चलिए चलते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, वहां देखते हैं कि आज के सेशन में या आज के पिटारे में क्या क्या चीजें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो ये रहा मेरा वर्ड फाइल जहां पे मैंने आप सब के लिए पहले से ही सब कुछ तैयार करके रखा हुआ है, और जो नहीं है वो मैं यहां पे बताने वाला हूं। तो गाइज, अगर आपको ऐसी ही इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको एक सिंपल सा काम करना होगा। वो काम क्या है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और इसके बगल में एक बेल आइकन होगा, उसको दबा देना है ताकि ये छोटी छोटी मगर मोटी बातों की जो सीरीज है ना वो आप तक पहुंचती रहे और साइट पे आपका कोई पोपट ना बना सके। चलिए, तो पहला सवाल ये है कि एक बैग सीमेंट में कितना किलो सीमेंट होता है। तो नॉर्मल सी बात है और इसका नॉर्मल सा आंसर जो आप में से मैक्सिमम लोगों को पता होगा वो है 50 kg। तो गाइस, एक बैग सीमेंट में, जो सीमेंट का बैग मार्केट में नॉर्मली आता है, उसमें 50 kg सीमेंट होता है। लेकिन अब है कि थोड़ा टेक्निकल बातें की जाए ना, तो एक बैग सीमेंट का वॉल्यूम कितना होता है, तो वो मे बी आप में से कुछ को पता होगा कुछ को नहीं पता होगा। जिनको पहले से पता था वो इस सेशन में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स सबके लिए ओपन है। एंड जिनको नहीं पता है उनके लिए आंसर है भाई साहब 0.0347, ओके सॉरी 3.47। तो 3.0347 मीटर क्यूब हमारे एक बैग सीमेंट का वॉल्यूम होता है। अब अगर एक बैग सीमेंट का वॉल्यूम इतना है और किसी ने आपसे पूछ दिया कि बताओ भाई कि 1 m³ सीमेंट में कितने बैग आएंगे, यानी कि 1 m³ का गड्ढा है, अगर आपको उसको सीमेंट से भर देना है तो उसमें कितने बैग सीमेंट जो है वो लग जाएंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली कैलकुलेशन करना है ब्रो। 50 kg में हमारा एक बैग आता है, राइट? एक बैग में हमारा 0.0347 मीटर क्यूब आ जाता है, ठीक है? तो अगर हम इसको सिंपली एक कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं, तो कहाँ गया मेरा कैलकुलेटर, एक सेकेंड, ये है अपना कैलकुलेटर, मैं कैलकुलेटर कर लेता हूँ ओपन। ठीक है, यहाँ पे हमारा कैलकुलेटर ओपन हो गया है, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ कैलकुलेटर का, ये रहा। ठीक है, तो सिंपली इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा 1 / 0.0347, राइट? तो ये आ रहा है 28.81। यानी कि अगर हमें 1 m³ गड्ढे को सीमेंट से भरना है तो हमारे पास क्या चीजें चाहिए, उसके लिए हमारे पास सिंपली होना चाहिए 28.8 ऑलमोस्ट इतना बैग सीमेंट। एंड एक्चुअली अगर आपको एक्यूरेट वैल्यू जाननी है तो वो होती है 28.81844380403458। बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है, इसलिए आप सिंपली 8.81 या 28.8 रख सकते हो, ठीक है? आप सिंपली इस वैल्यू को याद रखो ना, क्यों इतना लंबा चौड़ा वैल्यू पकड़ना है, ठीक है? नेक्स्ट आ जाता है कि डेंसिटी जो है ये हमारे वाइबा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, अगर आपको जॉब इंटरव्यू देनी है तो वहां पे भी डेंसिटी आपसे पूछी जाएगी। तो सीमेंट की डेंसिटी कितनी होती है, अगर आपको केजी पर मीटर क्यूब में आंसर देना है तो उसका आंसर है 1440, ये होता है सीमेंट का डेंसिटी। अगर आपको ये पूछा जाए कि अच्छा भाई साहब बता दो कि किसी भी स्टील का वेट निकालना है मुझे तो वो कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो होता है d² / 162 इन केजी पर मीटर। यानी कि अगर आपके पास लेट से कि एक 12 mm डाया का रॉड है, ठीक है, और उसका टोटल वेट आपको पता करना है, तो आप लेंथ तो निकाल दोगे लेकिन वेट के लिए आप किलोग्राम और बटखारा बटखारा लेके थोड़े ना दौड़ोगे, तो आपको उसको कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो उसी के लिए ये फॉर्मूला बनाया गया है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल कि सपोज आपके पास जो रॉड है वो है कितना, 12 mm डाया का, सो फॉर 12 mm डाया बार, ओके, वेट ऑफ स्टील, अगर ये करना है वेट ऑफ स्टील, तो वो हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई साहब, फॉर्मूला हो गया हमारा 12 × 12, ओके, 12 × 12 डिवाइडेड बाय 162, 162
जिसको कि और सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो कितना हो जाएगा, 144 हो जाता है ना, 144 बाई 162, राइट। तो अगर इसको भी और करना है तो हमें बस सिंपली अगेन हम लोग चलेंगे वापस से कैलकुलेटर के ऊपर, क्योंकि इतना ज़्यादा दिमाग थोड़े लगाना है कैलकुलेटर यूज करना, हम सिविल इंजीनियर्स का हक है भाई। तो 144 एंड डिवाइडेड बाई 162, तो ये हो जा रहा है हमारा 0.8888 एंड बहुत सारे एट। ओके सो इसको हम लोग कर लेते हैं 0.89, ठीक है। तो 0.89 पर मीटर, सॉरी केजी पर मीटर, ओके 0.89 केजी पर मीटर, यानी कि इतना हो जाएगा हमारा वेट ऑफ स्टील। अगर मान लो कि आपका स्टील जो है वो 3 मीटर का है, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल, एंड आपका वेट आप कैलकुलेट कर चुके होंगे, राइट। देन आपके पास आ जाती है एक और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो लोग पूछते हैं कि मिनिमम डाया कितना दे देना है। मान लो कि मैं कॉलम बना रहा हूँ, तो उसमें 10 mm का स्टील डाल दूँ क्या, यानी कि 10 mm डाया का स्टील मैं उसमें यूज कर लूँ क्या? तो आप बोलोगे कि नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि भाई साहब, अगर आप बना रहे हो कॉलम, या बना रहे हो फुटिंग, या बना रहे हो राफ्ट फाउंडेशन, तो इन सब में जो मिनिमम डाया ऑफ स्टील है ना, वो होना चाहिए 12 mm, यानी कि इससे कम डाया का स्टील आपको यूज नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जो आज की नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है, वो है हमारी स्लैब से रिलेटेड। तो पहले इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हैं। तो इन्फॉर्मेशन क्या है कि स्पेसिंग ऑफ द मेन बार्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन बार शुड नॉट बी लेस देन 3 इंचेस बाई 3 इंचेस। यानी कि देखिए, ये हमारा एक स्लैब है। अब स्लैब के लिए अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मैं स्लैब पे एक डिटेल्ड वीडियो बना के आपको दे दूंगा कि किस तरह से स्लैब का ड्राइंग को पढ़ते हैं, किस तरह से उसका साइड पे एग्जीक्यूशन किया जाता है, सारी चीज़ें जो स्लैब से रिलेटेड है अगर आपको जाननी है, उसका डिजाइन भी जानना है तो भी बोल सकते हो, यार मैं सब करवा के दे दूंगा आपको, बस कमेंट में वो चीज़ लिख देनी है कि हाँ सर ये करवा दो, और मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना के दे दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अब आते हैं कि आज की जो इन्फॉर्मेशन है, जो मैंने कहा 3 इंचेस बाई 3 इंचेस, उससे क्या मतलब है, यानी कि स्पेसिंग ऑफ मेन बार बाई डिस्ट्रीब्यूशन बार शुड नॉट बी लेस देन 3 इंचेस बाई 3 इंचेस। तो देख रहे हो कि एक साइड से इसमें मेन बार होगा, एक साइड से डिस्ट्रीब्यूशन बार होगा। जो शॉर्टर स्पैन होगा, यानी कि ये वाला डायरेक्शन, ये हमारा मेन बार का डायरेक्शन है। जो लॉन्गर स्पैन है, वो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बार का डायरेक्शन है। आप देख रहे हो कि जो मेन बार है वो बॉटम में है, राइट। जो आप सेंटर में देखोगे तो बॉटम में हमारा मेन बार होता है, एंड आप अगर एजेस पे देखोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, टॉप में हमारा मेन बार होगा। तो जो मेन बार है और डिस्ट्रीब्यूशन बार है, उसके बीच में कुछ हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप बन रहा है, तो ये रेक्टेंगुलर शेप जो है वो मिनिमम कितना होना चाहिए, 3 इंचेस बाई 3 इंचेस होगा। अगर इसका 3 इंचेस बाई 3 इंचेस से कम कर देंगे तो क्या होगा, अगर हम इसमें कॉन्क्रीट डालेंगे तो वो कॉन्क्रीट नीचे वाले सर्फेस में नहीं जा पाएगा, यानी कि आपका ठीक से कवर जनरेट हो ही नहीं पाएगा। एंड किसी भी आपका RCC मेंबर है, उसमें कवर हम लोग को डेफिनेटली देना है। अगर हम लोगों ने कवर नहीं दिया तो वो इन्वायरमेंटल से एक्सपोज हो जाएगा, और इन्वायरमेंटल से एक्सपोज होने के कारण उसमें कोरोजन हो सकता है, जो कि आप रॉड में रस्टिंग बोलते हो। तो वो कोरोजन से बचने के लिए हम लोग को मिनिमम 3 इंचेस बाई 3 इंचेस का यहाँ पे गैपिंग जो है प्रोवाइड करना है। कुछ लोग 2.5 इंचेस बाई 2.5 इंचेस भी देते हैं, लेकिन वो नहीं है, वो गलत तरीका है। अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन बार ज़्यादा हो भी जा रहा है, तब भी मिनिमम इतना गैप मेंटेन करके रखना होता है। नेक्स्ट आ जाता है कि हम लोग कंक्रीट कवर की बात कर रहे हैं, तो कंक्रीट कवर क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि अगर यहाँ पे कंक्रीट का पोडिंग होगा तो वो पोडिंग जो है वो नीचे जा ही नहीं पाएगा, तो हम लोग का कवर जो है क्रिएट हो ही नहीं पाएगा। तो कंक्रीट कवर क्यों यूज करते हैं वो समझ लेते हैं। सो कंक्रीट कवर इज क्रूशियल इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द रेनफोर्समेंट स्टील फ्रॉम कोरोजन कॉज्ड बाय एनवायरमेंटल इफेक्ट, जो मैंने अभी अभी बताया। देन आ जाता है कि व्हेन द स्टील रेनफोर्समेंट इज नॉट प्रॉपरली प्लेस्ड और प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एनवायरमेंट, इट विल बिगिन टू कोरोड ड्यू टू द ऑक्सीडेशन, यानी कि इसमें जो बार से वो बेसिकली तो आपके आयरन है, तो वो आयरन जो है ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जिसके कारण उसमें रस्टिंग या उसका कोरोजन जो है वो होने लगता है। अब आ जाता है कि कॉन्क्रीट कवर देना है तो कितना मिनिमम कॉन्क्रीट कवर होना चाहिए। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कुछ कंक्रीट के ब्लॉक्स लगे हुए हैं, राइट। ये कंक्रीट ब्लॉक्स जो है वो हमारे कंक्रीट कवर को मेंटेन करने के लिए ही लगाए गए हैं, ठीक है। तो अभी इसके बारे में भी किसी और वीडियो में बात कर लेंगे, फिलहाल के लिए आपको ये समझना चाहिए कि कवर हमारे पास कितना मिनिमम देना है। तो अगर मिनिमम कवर की बात की जाए, या फिर एक रेंज ऑफ कवर की बात कर ली जाए, तो कितना हो जाता है कि अगर हम बीम की बात कर रहे हैं तो उसमें 25 to 35 mm हमारा कॉन्क्रीट
कवर जो है वो दिया जाता है। जैसे कि आपका नॉर्मल लोकेशन है तो वहाँ पे 25 mm काफ़ी है। अगर आपका कुछ ऐसा एरिया है जैसे कोस्टल एरिया, जैसे सी के पास में आपका घर है, तो वहाँ पे इन्वायरमेंटल से एक्सपोजर ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे हम लोग कवर थोड़ा ज़्यादा देना होता है, क्योंकि हमारे बार्स जो है वो उससे अफेक्ट हो सकते हैं अगर हम लोग सिर्फ 25 mm देंगे। लेकिन 35 mm दे देते हैं तो वही हमारा सेफ हो जाता है, इसलिए हम लोग 25 mm नॉर्मल जगहों पर देते हैं। जैसे कि कोस्टल एरिया है तो वहाँ पर हम लोग 35 mm देते हैं। ओके, नॉर्मल पे 25, कोस्टल पे 35, एंड बीच में डिस्टेंस डिसाइड करके हम लोग उसमें कंक्रीट का कवर भी डिसाइड कर लेते हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है स्लैब का कवर कितना होना चाहिए। तो स्लैब का कवर भी सेम सिचुएशन, एनवायरमेंटल कंडीशन के बेसिस पे हम लोग देते हैं 20-30 mm ऑफ द कवर देना जाता है कॉलम। तो कॉलम क्या होता है ना, मोस्टली वो एक्सपोज ही रहता है, ठीक है। अगर कॉलम की बात की जाए तो वो क्या होता है कि मोस्टली आपके कॉलम्स बीम्स जो है वो सब तो रूम के अंदर आ जाते हैं, लेकिन कॉलम जो है वो बेसिकली बाहर की तरफ भी होते हैं, एंड उनका एनवायरमेंटल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए वहाँ पे कंक्रीट का कवर जो है वो हम लोग सेफ साइड लेके चलते हैं, एंड वहाँ पे 40 mm मिनिमम कवर हम लोग देते हैं नॉर्मली। देन आ जाता है हमारा फुटिंग। तो फुटिंग के केस में भी अगेन हमारे पास एक रेंज होती है, जो कि होती है 50 mm से लेके हमारा 75 mm तक हम लोग को यहाँ पे कवर देना होता है। अब ये किस बेसिस पे है, मान लो कि आपने एक PCC का लेयर किया हुआ है अपने फुटिंग के नीचे, तो वहाँ पे अगर आप 50 mm का भी कवर दोगे तो चलेगा, लेकिन सब लोग फिर PCC नहीं करते हैं, तो वैसे केस में आपको क्या करना है, मिनिमम 75 mm का कवर देना है, क्योंकि वहाँ पे सॉइल के साथ एकदम आपका जो फुटिंग है वो एक्सपोज्ड है, एंड वहाँ पे कोरोजन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, एंड अगर आपका फुटिंग कमज़ोर हो गया तो आपकी पूरी बिल्डिंग की तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो बेटर है कि हम लोग इन सारी चीज़ों को सेफ रखें, एंड ऐसे बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स को जानने के लिए और साथ ही साथ साइट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानना हो या फिर ऑटोकैड सीखना हो, स्केचअप सीखना हो, तो उसके लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8433-248864, ये हमारे डिस्क्रिप्शन में भी होगा। एंड अगर आपको किसी भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग की जरूरत है तो डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारे कोर्सेज के डिटेल्स मिल जाएंगे, आप वहां से जाके उन कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है या फिर साइट रिलेटेड आपको और भी नॉलेज चाहिए तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। सो गाइस, दिस वाज ओम, एंड मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।